नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बिहार के पश्चिम चंपारण नौतन प्रखंड से निःशुल्क शादी की तैयारी जोरों पर है। गरीब असहाय लाचार मजबूर पापा के परियों की शादियों के लिए हर साल की भांति इस साल भी आरोही जन कल्याण संस्था नौतन के द्वारा तैयारियों जोरों शोरों पर है। विवाह को सम्पन्न करने के लिए हर तरह से पूरी तैयारियां कर चुका है। आपको बता दें कि हिंदू मुस्लिम धर्म एकता मिसाल कर एक साल 14 जोड़ों कन्याओं को हिंदू रीति रिवाज एवं कन्या एक कन्याओं को मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार शादी संपन्न कराने की तैयारी में लगी हुई है। आरोही जन कल्याण संस्था वहीं आरोही जन कल्याण संस्था के संरक्षक हृदयानंद सिंह ने बताया कि वैसे माता पिता की लाडली बेटियों की शादी कराई जाती है जो सचमुच में गरीब मजदूर एवं लाचार हों और उनका परिवार नशा मुक्त हो, किसी भी प्रकार की नशा करते हों। वहीं दूसरी तरफ आरोही जन कल्याण संस्था के अध्यक्ष मुनीलाल पासवान ने बताया कि 2015 से हमारी आरोही जन कल्याण संस्था गरीब असहाय लाचार बेटियों की शादी करती आ रही है। जो अपने बेटी को शादी नहीं कर पाते हैं उनकी शादी हमारी संस्था करा रही है। अब तक करीब 100 से ऊपर परिवार वाले की शादी संपन्न करा चुकी है। संस्था के कोषाध्यक्ष अरुण कुमार पटेल ने बताया कि गरीब हालात से गुजरते हुए जिन माता पिता को लगता है कि बेटी की शादी बोझ है, कैसे हो पाएगा, तो शादी हमारी संस्था उन परिवारों की फीडबैक जांच कर जिस धर्म से हो उनकी शादी उस रीति रिवाज के अनुसार किया जाता है, बिल्कुल निःशुल्क। आगे उन्होंने बताया कि जो भी इस खबर को देख रहे हैं वह जरूर आए और वह वर वधू का आशीर्वाद दे एवं पुण्य भागीदारी बने। न्यूज 9 भारत के लिए त्रिलोकी राय की खास रिपोर्ट। जी, मैं हृदयानंद सिंह, संरक्षक आरोही जन कल्याण संस्था नौतन, और हमारे साथ बैठे हैं ये हमारे आरोही जन कल्याण संस्था के अध्यक्ष हैं मुनीलाल पासवान जी। इनके बगल में बैठे हैं शंभुनाथ यादव जी जो आरोही जन कल्याण संस्था के संयोजक हैं। हम लोग प्रत्येक वर्ष 2015 से असहाय परिवार के लड़कियों की शादी सामूहिक विवाह कराते आ रहे हैं। अभी तक 116 असहाय परिवार की लड़कियों की शादी इस साल हम लोग जो कराने जा रहे हैं इसको मिलाकर के हो जाएगा। इस साल 15 जोड़ी असहाय परिवार के कन्याओं का सामूहिक विवाह कल ही, ये जो देख रहे हैं आप यहाँ, हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, कल ही यहाँ होने जा रहा है राम जानकी मंदिर नौतन के परिसर में। तो ये एक सहयोग राशि, लोगों से सहयोग लेकर के हम लोग गरीब परिवार की लड़कियों की सामूहिक विवाह कराते हैं। हम लोगों की कुछ मान्यता है, शर्त है, हम लोग उस परिवार की लड़कियों की शादी करवाते हैं जो बिहार सरकार के जो नियम निर्देश है उसको भी हम लोग फॉलो करते हैं कि बाल विवाह नहीं करना है, दहेज प्रथा पे रोक लगाना है। इसके साथ ही जो बिहार सरकार द्वारा प्रतिबंधित शराब से संबंधित लोग हैं, जो शराब के कारोबार में संलिप्त लोग हैं, वैसे लोगों की लड़कियों की शादी हम लोग नहीं करवाते हैं। इसलिए कि वो लोग शराब के कारोबार में किसी न किसी रूप में अगर फंसे हुए हैं, उसमें लगे हुए हैं, तो उन लोगों की लड़कियों की शादी हम लोग नहीं करवाते हैं, चाहे वो जितना भी गरीब हो। लेकिन जो एकदम साफ सुथरा लोग हैं और जो अपने बच्ची की शादी करने में असमर्थ हैं, वैसे परिवार की बीड़ा आरोही जन कल्याण संस्था नौतन उठाती है और हम लोग प्रत्येक वर्ष लोगों के सहयोग मान करके सामूहिक विवाह संपन्न कराते हैं। हर साल की बात है, इस साल कितने कन्याओं को शादी करा रहे हैं? इस साल जो सामूहिक विवाह होने जा रहा है, जो कल होने जा रहा है, जिसकी तैयारी में हम लोग बैठे हुए हैं, इसमें 15 जोड़ी असहाय परिवार की लड़कियों की शादी है, जिसमें 14 लड़कियों की शादी हिंदू रीति रिवाज से होगा और एक लड़की की शादी निकाह मुस्लिम रीति रिवाज से संपन्न किया जाएगा। मैं मुनीलाल पासवान, आरोही जन कल्याण संस्था के अध्यक्ष हूँ। हमारे संस्था के उपाध्यक्ष सिकंदर पासवान जी हैं, संरक्षण हृदयानंद सिंह जी हैं, संयोजक शंभुनाथ यादव जी हैं और संगठन सचिव दिग्विजय सिंह उर्फ पप्पू सिंह हैं और सदस्य प्यारेलाल चौरसिया, जितने भी हमारे मेंबर हैं इस संस्था के, सभी लोग तन मन धन से दिसंबर 2023 से ही लोग लगे हुए थे और हम लोग इस कार्य को कल हम लोग संपन्न कराने जा रहे हैं, जो गरीब असहाय लड़कियों की 2023 तक 102 लड़की के शादी हम लोग करा चुके हैं और यह 2024 में 15 कन्याओं का शादी हम लोग कराने जा रहे हैं, जो एक मंच पर हिंदू और मुस्लिम
दोनों का एकता कायम करते हुए हम लोग यहाँ संपन्न शादी कराएंगे और सारी तैयारी पूरी हो चुकी है और हम लोग आज यहाँ बैठे हैं और जो जो हम लोगों को कमियाँ महसूस हो रही है या कोई सुझाव आ रहा है उसका समाधान के लिए हम लोग लगे हैं और कल हम लोग धूमधाम से और इसमें हम लोग वर कन्या को उपहार स्वरूप फर्नीचर देते हैं, बर्तन देते हैं, कपड़ा देते हैं और मिठाई फल चिवड़ा वगैरह ये सब हम लोग उपहार के रूप में और चार थान गहना हम लोग उपहार में देते हैं। यह शादी बिना दान दहेज की हो रही है, इसमें कोई दान दहेज नहीं है, न लड़का वाला लिया है न लड़की वाला दिया है। पूरी कमेटी के द्वारा जांच पड़ताल करने के उपरांत यह शादी हम लोग कल संपन्न कराने 17/3/2024 को जा रहे हैं। धन्यवाद। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।